जब भी अमेरिका की बात होती है तो ऐसा लगता है कि वहाँ भारत से काफी बेहतर स्थिति होगी। ऐसे में आज जानते हैं कि वहाँ के रेल नेटवर्क की क्या स्थिति है। भारतीय रेलवे के बारे में तो आप जानते ही हैं कि किन किन मायनों में रेलवे अच्छा काम कर रहा है। आइए आज जानते हैं अमेरिका के रेलवे के बारे में। कहा जाता है कि अमेरिका का रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसकी सर्विस कनाडा और मेक्सिको देश तक भी है। यहाँ पर 2,50,000 किलोमीटर तक की रेल लाइनें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल परिवहन में मुख्य रूप से सामान की शिपमेंट होती है, यानी कि वहाँ मालगाड़ी का अधिक चलन है। यात्री सेवा मुख्य रूप से प्रमुख शहरों में जन परिवहन और कम्यूटर रेल की तरह ही है। अमेरिका की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में मालगाड़ियों से जाने वाले सामानों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें कोयला, तेल और कंटेनर का सबसे ज्यादा काम है। यात्री या पैसेंजर सर्विस के मामले में वहाँ पर एमट्रैक ट्रेन चलती है, और अगर ट्रेन स्पीड की बात करें तो वहाँ सबसे ज्यादा 240 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन है। हाई स्पीड ट्रेनों के मामले में अमेरिका अभी भी चीन, जापान आदि देशों से पीछे है। दरअसल यहाँ पर ज्यादातर लोग एक शहर से दूसरे शहर के बीच हवाई सफर करना पसंद करते हैं।